हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 20th ऑफ फेब के दिन हम पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज़ लेक्चर को पूरा देखें। लेक्चर के लिंक की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन के बारे में। देखिए, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने यहाँ पर गो इलेक्ट्रिक कैंपेन को लॉन्च किया है ताकि यहाँ पर जो अवेयरनेस है ई मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग को लेकर के, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक कुकिंग है इंडिया में, उसके लिए भी अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। देखिए, यहाँ पर गडकरी जी ने नेशन वाइड कैंपेन को लॉन्च किया और कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फ्यूल को हम एज एन ऑल्टरनेटिव लेके चलते हैं फॉसिल फ्यूल के लिए, तो इससे जो इम्पोर्ट बिल है ₹8 लाख करोड़ का, उसमें काफ़ी कमी आएगी। क्योंकि जो कन्वेंशनल फ्यूल है उसका यूज़ करने से जो इम्पोर्ट बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूल जो है उसकी कॉस्ट हमें काफ़ी कम पड़ेगी। इसके साथ ही साथ जो इमिशन है वो भी काफ़ी रिड्यूस होगा। फर्दर उन्होंने यहाँ पर अर्ज किया पावर मिनिस्टर से कि यहाँ पे हमको ज़रूरत है ये किस तरह से जो वैल्यू एडिशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको इनकरेज किया जाए, जो कि रिलीज की जाती है थर्मल पावर प्लांट के थ्रू। और यहाँ पर उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक कुकिंग इन इंडिया, उसको भी मेंशन करते हुए कहा कि हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि किस तरह से हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके आ सकते हैं, तो ये जो होगा वो इकोनॉमिकल ही नहीं होगा बल्कि इको फ्रेंडली भी होगा। फर्दर उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात की और कहा कि हमें चाहिए कि हम जो ग्रीन पावर जनरेशन है उसको प्रमोट करें एग्रीकल्चर वेस्ट और बायोमास के थ्रू। तो ये जो इनिशिएटिव है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, उसके थ्रू जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम होगी और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा क्लीनर और ग्रीनर फ्यूचर के तरफ। तो इस कैंपेन के थ्रू यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करने की बात कही उन्होंने पैन इंडिया लेवल पे, और उन्होंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया है कि इससे जो कॉन्फिडेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स का वो भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। देखिए, जो कैंपेन है इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो है किस तरह से फुलफिल किया जा सके एनर्जी ट्रांजिशन को, और यहाँ पर हम लो कार्बन इकोनॉमी के पाथ पे मूव कर सकें। देखिए, तो इस तरह से अगर हम लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ मूव करेंगे तो जो दूसरे देशों के साथ हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स को लेकर के वो भी काफ़ी कम होगी, और यहाँ पर हम इंडिजीनियसली इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर प्रमोट करते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा इकोनॉमी को के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी। साथ ही साथ इस इवेंट पर उन्होंने गो इलेक्ट्रिक लोगो को भी अनवील किया जो कि डिपिक्ट करता है इवोल्यूशन ऑफ ई मोबिलिटी इकोसिस्टम को। अब जान लेते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के बारे में। देखिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी यानी कि BEE, ये आती है अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और यहाँ पर इसके थ्रू अवेयरनेस ड्राइव एक तरह से की गई फॉर प्रमोटिंग पब्लिक चार्जिंग ई मोबिलिटी और इसके इकोसिस्टम को लेकर के। तो ये जो कैंपेन है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, उसको नेशनल और स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और BEE जो है वो इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट को एक्सटेंड करेगी SDAs के लिए यानी कि स्टेट डिजिग्नेटेड एजेंसीज के लिए। तो एज ए सेंट्रल नोडल एजेंसी जो BEE है वो एक तरह से कंटेंट प्रोवाइड करेगी, और जो स्टेट डिजिग्नेटेड एजेंसी हैं उनको यहाँ पर डिटेल्स देगी, और जो भी अदर पार्टनर्स हैं उनको भी यहाँ पर एक तरह से कंटेंट और डिटेल प्रोवाइड करेगी BEE, ताकि यहाँ पर जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको इंश्योर किया जा सके। तो ये इसके बारे में सारी डिटेल्स थी। अगली न्यूज़ है सक्सेसफुल यूजर ट्रायल ऑफ DRDO डेवलप एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हेलिना और ध्रुवास्त्र के बारे में। देखिए, यहाँ पर हेलिना जो कि आर्मी वर्जन है और ध्रुवास्त्र जो कि एयरफोर्स वर्जन है, इसकी ज्वाइंट यूजर ट्रायल की गई इस मिसाइल सिस्टम की, जिसको कि कैरी आउट किया गया है एडवांस लाइट व्हीकल हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म के द्वारा डेजर्ट रेंज के अंदर। तो ये मिसाइल सिस्टम जो है उसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, यानी कि ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिसाइल सिस्टम है।
तो इस मिसाइल सिस्टम के अंडर 5 मिशन को कैरी आउट किया गया ताकि जो इस मिसाइल की कैपेबिलिटी है उसको इवेल्युएट किया जा सके मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के अंदर। तो ये जो मिसाइल है उसको फायर किया गया हॉवर और मैक्स फॉरवर्ड फ्लाइट से अगेंस्ट जो रियलिस्टिक स्टैटिक्स और मूविंग टारगेट्स हैं उनके लिए। फर्दर हेलिना और ध्रुवास्त्र जो की बात की जाए तो ये एक थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसके अंदर लॉक ऑन बिफोर लॉन्च कैपेबिलिटी भी है जो कि यहाँ पर टारगेट को इंगेज करता है बोथ इन डायरेक्ट हिट मोड एज वेल एज टॉप अटैक मोड में भी। इसके अलावा ये ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी रखती है और जो भी एनिमीज की जो बैटल टैंक है उसको डिफीट कर सकती है कन्वेंशनल आर्मर के साथ एज वेल एज एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर के साथ। देखिए ये जो हेलिना और ध्रुवास्त्र जो है ये मोस्ट एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन है वर्ल्ड की और ये अपनी इंडक्शन के लिए अब रेडी है। अगली न्यूज है कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो इसको पीएम ने यहाँ पर एड्रेस किया है तो इसमें हमारे देश के जो पीएम है उन्होंने इस सेरेमनी को एक तरह से एड्रेस किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और इस एड्रेसिंग में उन्होंने एक पोएम जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोएम थी उसको यहाँ पर कोट किया वीर शिवाजी के लिए और उन्होंने कहा कि ये एक तरह से इंस्पिरेशन है हमारे लिए और यूनिटी ऑफ इंडिया के लिए। साथ ही साथ उन्होंने स्ट्रेस किया स्टूडेंट और फैकल्टी के बारे में बात करते हुए कि ये सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है बल्कि ये एक वाइब्रेंट ट्रेडिशन को बियर करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी का नाम विश्व भारती जो है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसका नाम दिया था जिसका मतलब होता है ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोई भी यहाँ पर आ सकता है विश्व भारती के अंदर अगर उसको कुछ सीखना है तो ये एक तरह से जो होल वर्ल्ड है उसके लिए ओपन है और यहाँ पर जो इंडियननेस है उसको उसका एक प्रतीक है। तो ये बातें उनके द्वारा कही गई। अगली न्यूज है गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग के बारे में। तो यहाँ पर 6th मीटिंग जो है गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग की उसको चेयर किया जाएगा प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ये जो मीटिंग है वो 20th फरवरी के दिन होगी। देखिए जो एजेंडा है इस मीटिंग का उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड हैं इसमें देखिए डिलिब्रेशन ऑन एग्रीकल्चर जो होंगे वो इंक्लूडेड होंगे साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सर्विस डिलीवरी जो है ग्रास रूट लेवल पर उसको इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ हेल्थ और न्यूट्रिशन को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इस मीटिंग के अंदर। तो यहाँ पर जो गवर्निंग काउंसिल जो इस प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट होंगे उनका मकसद है कि यहाँ पर जो भी इंटरसेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल इशूज हैं उनको डिस्कस किया जा जाए और जो फेडरल इशूज है उसको भी डिस्कस किया जाए। देखिए ये जो काउंसिल है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके अलावा जो स्टेट और यूनियन टेरेटरीज के चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भी शामिल होते हैं इसके अलावा लेजिस्लेचर और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जो अदर यूनियन टेरेटरी हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इन सबको मिला करके ये काउंसिल बनती है। तो यहाँ पर जो 6th मीटिंग है उसके अंदर फर्स्ट टाइम लद्दाख की एंट्री होगी इसके अलावा जो पार्टिसिपेशन है जम्मू कश्मीर का एज यूनियन टेरेटरी वो भी पहली बार होगा। तो इस बार जो है यूनियन टेरेटरी जो है जिसको हेड किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा उनको भी यहां पर इनवाइट किया गया है ताकि ये इस मीटिंग को ज्वाइन कर सके। देखिए इस मीटिंग को इस बार अटेंड किया जाएगा जो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं गवर्निंग काउंसिल के उनके द्वारा साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर वाइस चेयरमैन मेंबर्स एंड सीईओ ऑफ नीति आयोग और जो भी अदर ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उनके द्वारा। तो ये इसके बारे में सारी डिटेल्स थी। अगली न्यूज़ है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। देखिए डीलिमिटेशन कमीशन जो है इसको चेयर किया जाता है रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी के द्वारा। तो यहाँ पर जो एसोसिएट मेंबर होंगे यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के वो भी इसमें शामिल होंगे ताकि उनकी सजेशन ली जा सके जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके लिए उनकी जो सजेशन है उसको सीख करने के लिए फर्दर ये जो ओवरव्यू है प्रोसेस ऑफ डीलिमिटेशन का वो बेस्ड होगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग जिसको कि मेंबर्स के सामने प्रेजेंट किया जाएगा और यहाँ पर जो भी सेक्शंस हैं वेरियस सेक्शन हैं इस एक्ट की
वो भी यहां पर पूरी डिटेल्स के साथ यहां पर एक तरह से इस एक्सरसाइज के लिए मेंशन होंगी इस प्रोसेस के थ्रू। देखिए डिलिमिटेशन का मीनिंग क्या होता है वो जान लेते हैं। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि यहां पर जो बाउंड्रीज है लोकसभा और जो स्टेट असेंबली सीट्स की है उसको फिर से रिड्रॉ करना, ताकि जो पॉपुलेशन के अंदर जो चेंजेस आई है उसको एक तरह से रिप्रेजेंट किया जा सके, और जो पॉपुलेशन है ऑफ ऑल सीट्स उसको भी यहां पर एक तरह से प्रैक्टिकेबल बनाया जा सके सेम टाइम पे। यानी कि देखिए कि अगर सेंसस किया जाता है किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का, तो वहां पर अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं जो इलेक्शन वहां पर कंपीट करते हैं, तो हो सकता है उनके एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई हो और दूसरे एरिया में पॉपुलेशन कम हो। तो यहां पर अगर रीड्रॉइंग नहीं की जाएगी इस तरह से लोकसभा और स्टेट असेंबली सीट्स की जो बाउंड्री है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकेगा। तो इसलिए यहां पर एक तरह से इसको डिलिमिटेशन किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन का वो किया जाए, ताकि जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका फेयर डिवीजन हो सके और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को यहां पर एज ना मिले, यानी कि एडवांटेज उनको नहीं मिलना चाहिए दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो इलेक्शन है उसके अंदर। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 82 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहां पर इनैक्ट करता है डिलिमिटेशन एक्ट को आफ्टर एवरी सेंसस, यानी कि जब भी सेंसस होता है तो उसके बाद डिलिमिटेशन किया जा सकता है। तो डिलिमिटेशन जो है वो कैरी आउट किया गया है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, जो कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो डिलिमिटेशन को यहां पर कैरी आउट करती है। देखिए डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसको चार बार सेटअप किया गया है, 1952 में, 63 में, 73, 2002 में। तो उसको जो यहां पर सेटअप किया गया है वो किया गया है अंडर द एक्ट ऑफ 1952, 62, 72 और 2002 का जो एक्ट है डिलिमिटेशन एक्ट उसके अंडर। इसके अलावा यहां पर कोई भी डिलिमिटेशन नहीं किया गया है 1981 और 1991 का जो सेंसस हुआ उसमें। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।